ये क्या, अभी तक चूल्हे नहीं जले? उपले सुखा रही हूँ, सूखे तब तो चूल्हा जलाऊं। अच्छा ठीक है, फटाफट काम करो, दो रोटी बना दो, नहीं तो फुलवा आज फिर खाली पेट चली जाएगी स्कूल। अरे फुलवा कहीं तो इंतजार कर रही हूँ, जंगल गई है लकड़ी लाने, लेके आए तब तो चूल्हा जलाएं। कोनो दवाई काम नहीं कर रहा है, चूल्हा फूकते फूकते जम निकल जा रहा है। मन कर रहा इसी में कपाल डाल के जान दे दे। गैस चूल्हा का कनेक्शन लेके आपने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। मेरी जिंदगी तो तुम हो जिनकी धुमकी गिरी रे, बरेले के बाजार में झुमकी गिरी रे। अरे मेरा दूध जल जाएगा जी। अरे जल जाने दो। कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ खो गए? मैं सोच रहा था कि एक गैस कनेक्शन हो जाता तो मेरी झिनकी को धुएं से छुटकारा मिल जाता। ये जो घुटन भरी जिंदगी है ना, कम से कम यार इससे तो मुक्ति मिल जाती। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अरे उज्ज्वला योजना है ना, उसका लाभ उठाइए और ले लीजिए गैस कनेक्शन। गैस एजेंसी की तरफ से हम लोग घर घर जाकर लोगों को कनेक्शन दिलवा रहे हैं। आप मेरे साथ चलो और भाभी जी को भी साथ ले लो। आपका नाम कौन सा पड़ेगा? बैयापुर साहब। नाम बताइए। झिनकी देवी जी। पति का नाम? शिवा शर्मा। नाम तो है इनका। अब एक चीज समझ लीजिए शिवा जी। जी साहब। अपनी पत्नी के दो फोटो जी, राशन कार्ड की फोटो कॉपी जी सर, आधार कार्ड की फोटो कॉपी जी, और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जी सर, लाकर जमा करा दीजिए। फॉर्म भर करके जमा कर देते हैं जी, और कुछ ही दिन में हमारे कर्मचारी जा करके आपके यहाँ गैस का कनेक्शन लगाएंगे और वो भी फ्री में। ये लीजिए। लीजिए, अब यहां दस्तखत करिए। और यहां भी एक काम करिएगा आप लोग, किसी को आप लोग एक रुपया मत दीजिए। जी सर। आकर और मकान जाएंगे आपके यहाँ और इंस्टॉल करके, मतलब सेट करके आपको सुरक्षा संबंधी सारी बातें समझाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के अंदर ये कनेक्शन आपको मिल जाएगा। बड़ी मेहरबानी होगी साहब आपकी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, प्रधानमंत्री जी ने आप ही लोगों के लिए ये योजना चालू की है कि हर घर धुआं मुक्त हो। झिनकी देवी का घर यही है क्या? हाँ भैया, यही झिनकी देवी का घर है। उज्ज्वला योजना फॉर्म भरे थे क्या आप? कनेक्शन आ गया है। आ गया क्या गैस वहाँ हमारा? हाँ हाँ आ गया है। चलिए चलिए अंदर चलिए। जब से हम लोग फार्म भरे थे तभी से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। देखिए ये रहा चूल्हा आपका, ठीक है, और इसको मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा ये रेगुलेटर, इसको ऐसे लगाया जाता है। अच्छा और इसमें टाइट करके पूरा। अच्छा अच्छा। और इसको सावधानी से जलाएंगे। अरे तो जलने लगा जी। अरे वाह। ये आपका पासबुक है। देखिए अब आपको मैं LPG इस्तेमाल करने के सुरक्षित उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो LPG सिलेंडर हमेशा सीधा खड़ा रखें। चूल्हे को ऐसे जगह रखें जहाँ बाहर से सीधे हवा ना लगे। गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच के ऊपर रखें, समतल स्थान पर। LPG गैस ग्राहकों के लिए बीमा सुरक्षा योजना भी सरकार दे रही है, ये पेपर इसको पढ़ लीजिएगा।